आम के बागों में लगने वाले कीटों की रोकथाम। पंचगव्य बनाने की विधि और फसलों में प्रयोग के फायदे। आम के बागों में इस समय बौर बन रहे हैं और कहीं कहीं इन पर फलों का निर्माण होने लगा है। ऐसे में किसानों को आम के बागों को खास देखरेख करनी होगी, क्योंकि आमतौर पर इस समय कई हानिकारक कीट इन बागों को काफी हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रभावी नियंत्रण केवल समेकित कीट प्रबंधन से ही संभव है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तारक नाथ गोस्वामी। हम लोग आम में लगने वाले मुख्य जो कीड़े हैं उनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं आम में। मुख्य रूप से तीन कीट के ऊपर हम आज चर्चा को सीमित रखेंगे। पहला है, वो सभी किसान भाइयों को मालूम है कि वो उसको आम का मधुआ कीट जिसको बोलते हैं आप लोग। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा जो अभी बिहार में बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुँचा रहा है, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी जैसे मालदा हो गया और जर्दालू हो गया, इस तरह का जो कल्टीवर्स है उसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह जमीन से निकलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान होता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों, पौर और फलों का रस चूसते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की अधिक संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण की 250 ग्राम मात्रा प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिला दें। ऐसा करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि आम का जो मधुआ कीड़ा, वो जो जो जब 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 भी आम का फूल अवस्था आते हैं तो फूल अवस्था में वो बहुत ही भारी संख्या में एक एक इन्फ्लोरेसेंस पे बहुत ही भारी संख्या में वो रस चूसते रहते हैं, और रस चूसने के बाद वो एक अपना शरीर से एक सीक्रेट भी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हानी ड्यू, और वो पूरे पत्ते पे और पैनिकल में लग जाने के कारण उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है, और वो फंगल ग्रोथ हो जाने के कारण जो है फोटोसिंथेसिस का में उसका असर पड़ता है, और आम का फल का गिरना और फल का साइज भी छोटा हो जाता है। तो इस कीट को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों, हम लोगों को मालूम है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में इन्फ्लोरेसेंस में रहता है, तो उस केमिकल दवाओं में से आप एक है डेल्टामेथ्रिन का दवा 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, और नीम का जो फॉर्मुलेशंस बाजार में अवेलेबल है उसका भी 3 ml करके आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये जो केमिकल का दवा हमने बताया उसके ऑल्टरनेटिव भी है, जैसे इमीडा क्लोप्रिट, उसका 1 ml प्रति 3 liter पानी के हिसाब से, और उसी केमिकल ग्रुप में आता है एक और दवा जिसका नाम है थायामिथोक्साम, उसको भी आप 5 gram प्रति 15 liter पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। फल मक्खी कीट की मादा फलों की परिपक्व अवस्था में फलों के अंदर अंडे देती है। अंडे से मैगेट निकलकर गुदे को खाती है और प्रभावित फल बाद में जमीन पर गिर जाते हैं, जो कि खाने के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बाग में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। साथ ही मिथाइल यूजेनॉल 0.8% और मेलाथियन 0.08% के साथ डिब्बे में भरकर पेड़ों पर टांग देने से नर मक्खियां आकर्षित होकर मेलाथियन द्वारा नष्ट हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कीड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं आम का फल छेदक कीट, और ये फल छेदक कीट का जो शिशु है उसका रंग है लाल, तो इसलिए हम लोग इसको लाल फल छेदक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग रेड बैंडेड पैंको कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये कीड़ा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत खतरनाक भी है। हम बताएंगे कि क्यों इसको हम बहुत इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इस कीड़ा का जो मादा है वो मादा जैसे ही फल मटर के दाने के समान हो गया, उसके ऊपरी भाग में यानी कि
पेडंकल के आसपास सिंगली मतलब एक अंडा या गुच्छे में मैक्सिमम चार अंडा देती है। लेकिन अंडा से जब शिशु निकालते हैं, मतलब लाल कलर का जो शिशु निकालते हैं, जो शिशु उस फल के अंदर खाएंगे, तो वो शिशु आ जाते हैं उसके ठीक उल्टा साइड, मतलब यानी कि उसका जो फल का जो टिप है, उस फल का टिप के तरफ आ जाते हैं और टिप में छेदा करके अंदर खाते रहते। खाते खाते वो पहुँचते कहाँ पे, आम का जो बीज है, वो बीज उसका सबसे पसंदीदा पोर्शन है आम का। और स्वाभाविक है कि मटर के दाने के समान के अवस्था में भी फ्रूट ड्रॉप होता है, और ये फ्रूट ड्रॉप चलता रहता है जब तक आप आम तोड़ते रहते हैं, तब तक इसका इन्फेस्टेशन चलता रहता है। कि हम लोग अगस्त से लेके फरवरी के बीच में कभी भी हम लोग ताना में एक बार छिड़काव करें, क्लोरपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रित दवा है उसका डोज होना चाहिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। आप इसके इसके नियंत्रण के लिए आप प्रोफेनोफॉस बोल के जो दवा है, वो प्रोफेनोफॉस का दवा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे और 15 से 20 दिन के अंतराल पे एक या दो बार और रिपीट करेंगे, तो ये कीट बहुत हद तक कम हो जाएगा।